वीडियो होता है हर कोई। नमस्कार दोस्त, आपके इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ और नए एक अपडेट के साथ मैं विनय विश्वास हाजिर हूँ। आज जिस विषय के ऊपर आप लोगों को अपडेट देना है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले से बना हुआ है, मगर ये वीडियो उन सारे सीएसपी और रिटेलर के लिए है जो लोग कॉमन सर्विस सेंटर से बिलोंग नहीं करता है और इनके पास ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। 15 मार्च को ये प्रधानमंत्री ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है PMSYM, मतलब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे इसका लाभ आप लोग कैसे उठा सकते हैं, इसके ऊपर ही मैं आलोचना आज करने वाला हूँ। ये बेसिकली एक पेंशन प्लान है कि आफ्टर 60 मैक्सिमम लोग जो है पेंशन नहीं मिलता है। ये लोग इनका कोई ईपीएफ फंड या जीपीएफ फंड नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब ना करने के कारण, तो उन्हीं सारे लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों का कोई पेंशन नहीं होता है आफ्टर 60 एज के बाद। और इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, इसका लाभ 18 से लेके 40 साल का कोई भी बंदा इसमें एंट्री कर सकता है और आफ्टर 60 उन लोगों को आजीवन पेंशन मिलेगा वो 3000, वो सभी के लिए परमानेंट है 3000 है, इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 से लेके 14 एज के अंदर इसको एंट्री करना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है और आपको आधार कार्ड रहना जरूरी है। अगर आप लोग एंट्री करते हैं, एंट्री स्टार्ट होता है, एंट्री चार्ज जो है वो स्टार्ट होता है 18 एज के लिए 55 रुपीज से। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एज के लिए अलग अलग प्राइस है। तो 18 जो एज है, 18 साल का कोई बंदा अगर इसमें एंट्री लेता है उसके लिए एक रेट है, वो है 55 रुपया महीने भर, साल भर वो हर महीना 55 रुपये करके वो पे करेगा, मतलब नच के द्वारा वो बैंक अकाउंट से कट जाएगा 55 रुपया हर महीना और अप टू 60 एज तक ये काटता रहेगा, मतलब 42 साल तक ये आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। आफ्टर 60 जब उस लड़के का एज 60 हो जाएगा तो उसको हर महीना 3000 करके पेंशन मिलता रहेगा आजीवन तक। और इसके आगे अगर इसका डेथ हो गया कस्टमर का तो उसका जो नॉमिनी रहेगा और उसको भी आजीवन इसका लाभ मिलता रहेगा, इसके आगे और किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ दो बंदे को, कस्टमर को और उसका नॉमिनी को। बीच में एक बात मैं बोल देता हूँ कि किसी भी टाइम कस्टमर जो है इसे निकाल सकता है, मतलब अपना जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया है उस पैसे को वो रिटर्न लेके यहाँ से निकाल सकता है। पैसे के साथ जो इन्वेस्टमेंट जो है, जो पैसे उसने जमा है उसका जो बेनिफिट होगा, मान लीजिए कोई 10 साल बाद बोल रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट में एंट्री करना चाहता हूँ जहाँ पे 3000 से ज्यादा मुझे मिलेगा और मैं ज्यादा इन्वेस्ट भी करूंगा तब वो यहाँ से निकल भी सकता है। तो ये सिस्टम है और ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है LIC के साथ मिलके। ये इन्वेस्टमेंट सीधा LIC के पास जाएगा और आपको जो पेंशन आएगा वो भी LIC की तरफ से ही आएगा। और आप इससे ज्यादा इसके ऊपर जानकारी लेना चाहते एक तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा डिटेल आपको मिलेगा और आप लोग गूगल में जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। PMSYM बोल के अगर आप सर्च करेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस पे क्या बेनिफिट है, एक 18 साल के लड़के को या फिर लड़की को, मतलब कोई भी अगर एंट्री करता है इसको कितना बेनिफिट मिलता है। अगर 55 एज ओनली 18 एज में कोई एंट्री लेता है तो वो फर्स्ट टाइम 55 रुपीज पेड करके इसमें एंट्री लेगा और अगले महीने से इसका पैसा जो है वो जो बैंक अकाउंट हम लोगों को प्रोवाइड करेगा उसी बैंक से ऑटोमेटिक नाच के द्वारा पैसा कट जाएगा हर महीने को। अगर हर महीना उसने 55 रुपीज करके दिया तो साल भर में उसको देना पड़ेगा 660 रुपया, 660 रुपीज। एंड अगर 18 साल का कोई बंदा इसमें एंट्री करता है तो उसको 42 साल तक इसको चलाना है तो 42 साल तक 660 रुपया करके हर महीना देगा तो उसको कुल देना पड़ेगा 27720 रुपया, 27720 रुपीज। ये 27720 रुपया जमा करेगा और हर महीना इसको 3000 करके आजीवन मिलता रहेगा, मतलब साल भर में इसको 36000 रुपीज मिलेगा, ₹36000 इसको मिलेगा और इसको आजीवन मिलेगा। और इसका जो नॉमिनी रहेगा उसके डेथ के बाद उसको नॉमिनी को यह पैसा मिलेगा। तो लाभार्थी वही है जो 18 से 40 है, जो असंगठित क्षेत्र के है, असंगठित क्षेत्र के मतलब रिटेलर है, किसी दुकान चलाते हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई किसी के घर में काम करता है,
मतलब असंगठित क्षेत्र मतलब है जहां पे पेंशन की कोई स्कीम नहीं होता है, जहां पे काम करने के पश्चात कोई पेंशन के लिए कोई पैसा जमा नहीं होता है, उसी क्षेत्र की किसी भी बंदे इसमें एंट्री कर सकता है। और एक चीज, जिसकी महीना का कमाई 15,000 के नीचे है वो भी एंट्री कर सकता है। 18 से लेके 40 एज का कोई भी बंदा या बंदी इसमें एंट्री कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। और ये मैक्सिमम टाइम तक तो नहीं रहेगा, एक बेनिफिटेड प्रोडक्ट है, जो ऐसा प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं है इंडिया का किसी भी कंपनी में, मतलब LIC में भी सीधा आपको ये नहीं मिलेगा, ये आपको कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ही लेना पड़ेगा। कुछ कुछ LIC की ब्रांच में सीधा मिला, कोई एजेंट के पास ये नहीं मिलेगा, एक कॉमन सर्विस सेंटर की जो बंदा है इनके पास आपको जाना पड़ेगा, या फिर आप LIC में जाके भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ हम लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं और हम इसमें आपको एंट्री करा दे सकते हैं। और इसके विषय में अगर ज्यादा आपको जानकारी कुछ और चाहिए तो इनबॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर देके भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इस विषय में ज्यादा जानकारी आपको इनबॉक्स में दिया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ डिटेल्स में मिल जाएगा, और गूगल में सर्च करने पे भी आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएगा। तो एंड में मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोडक्ट में, गवर्नमेंट की PMSY में, तो हमको आप जरूर नॉक कर सकते हैं इनबॉक्स में, हम आपको सहायता करेंगे इसमें एंट्री लेने के लिए। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।